अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल खालिक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो न्यू जॉब्स जो हैं PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो उसमें कौन सी वैकेंसीज़ हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है 4 अप्रैल पे। तो उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो फुल डिटेल्स है वो क्या हैं। तो अभी हम इसका एड ओपन करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि वैकेंसीज़ आखिर कौन सी हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 6/4/2022, तो इस पे देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो इसमें पोजीशंस हैं वो हैं फॉरेस्ट्री में जो हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज जूलॉजिस्ट, इसकी 1 पोस्ट है, माइनॉरिटी कोटा में है 1 एंड रेगुलर बेसिस पे। इसमें MSc चाहिए सेकंड डिवीजन में इन फिशरीज़, ठीक है। उसके अलावा BS या सेकंड डिवीजन होना चाहिए जूलॉजी में। उसके बाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ में भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर ऊपर वाली के देखें तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन ऑलमोस्ट जो है बैचलर्स या मास्टर्स चाहिए। उसके बाद इसकी जो एज लिमिट है वो है 22 to 30+7 ईयर्स, ठीक है, मतलब 37 ईयर्स। जेंडर मेल और फीमेल ट्रांसजेंडर सबको ये सिलेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो है सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन यहाँ पर है 1 पेपर MCQ टाइप रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, 90 मिनट्स विल बी गिवन। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, ठीक है, उसमें जो है पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी है, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक सर्जरी है, उसके जिसमें 9 पोस्ट हैं और उसमें ऊपर वाली में 2 पोस्ट हैं। इसके लिए MBBS चाहिए दोनों के लिए। उसके अलावा इसमें इफ़ नन इज़ अवेलेबल विथ अबव क्वालिफिकेशन देन MBBS आर इक्वल एंड मेडिकल क्वालिफिकेशन, ठीक है, FCPS वगैरह अगर आपकी है तो यू विल बी प्रिफेयर्ड। उसके अलावा जो है मेल 25 to 45+7, मतलब 52 ईयर्स, जेंडर ऑल मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, डोमिसाइल एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ द पंजाब। एंड उसके अलावा जो हैं जो पोस्ट हैं वो हैं असिस्टेंट की कंप्यूटर ऑपरेटर सिस्टम ऑपरेटर जो हैं 1 and 9 पोस्ट। उसके अलावा स्टीनोग्राफर हैं 6 पोस्ट हैं, तो यहाँ पर मेंशन है उनकी जो ओपन मेरिट पे हैं, वुमेन कोटा पे हैं। उसके अलावा जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशन के हवाले से वो है BA 4 मंथ्स इंटरमीडिएट और एज 18 to 30, 19 to 28 एंड 18 to 30+7 और जेंडर तो ऑल अलोड। इसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लाहौर इसमें होगी। उसके अलावा सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन यहां पर गिवन है 1 पेपर MCQ विथ 100 मार्क्स। उसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं सिस्टम एनालिस्ट बी पोस्ट इसकी जो है वो 1 है। इसमें BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग BSc ऑनर्स होना चाहिए, किसमें MSc सेकंड डिवीजन और कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, हैज़ एडवांस नॉलेज ऑफ SQL एंड डेटाबेस। उसके अलावा जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर 20+30 ईयर्स, ठीक है, 20 to 30 ईयर्स, रिटन टेस्ट 1 पेपर MCQ विथ 100 MCQs क्वेश्चंस। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यकीनन आपको PPSC की वेबसाइट पर जाना होगा, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, जिस पे से मैंने अभी ये एड ओपन किया है। तो हम उसी वेबसाइट पे बैक पे जाते हैं कि कैसे हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इस पर यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा नीचे जो है अप्लाई ऑनलाइन, तो अप्लाई ऑनलाइन पर आपने क्लिक करना है और उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो नेक्स्ट पेज मिलेगा उस पर आपने जो वैकेंसीज़ हैं वो देख नहीं है और उसमें जिसमें आप अप्लाई करना चाहें, मिसाल के तौर पर असिस्टेंट है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, सिस्टम एनालिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, किसी में भी आप क्लिक कर सकते हैं। और इसका जो चालान है सबका 600 है और इसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 20 अप्रैल 2022, तब तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी एक में अप्लाई करना चाहता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन हैं इसके हवाले से कि ये फील्ड वगैरह जो हैं वो किस तरह फिल होंगी, तो ये आपने इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और इसको रीड करने के बाद आपको जो नीट ऑप्शन मिल रहा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पोस्ट के हवाले से। तो अगर आप एलिजिबल हैं ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, तो फिलअप फॉर्म पे जाएंगे और फिलअप फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी और उस पर आई कंफर्म करना है और उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर दें। और जैसे ही आप
अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट फॉर्म मिलेगा जिस पे आपने अपना CNIC अपना जो ईमेल एड्रेस है फ़ोन नंबर है वो फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको जो पूरा फॉर्म है वो आ जाएगा और वो पूरा फॉर्म आपने अच्छे से फिल करना है और उसमें कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी ताकि आपको फिर एडिट ना करना पड़े। और ये सब करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा चालान का। तो आपने चालान डाउनलोड करना है, चालान डाउनलोड करने के बाद उसको पे करना है और उसको पे करने के बाद आपने वेट करना है कि आपकी जो है फॉर्म वो एक्सेप्ट हो जाए। होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अल्लाह हाफिज़।